आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने दौर की बेहद ही खूबसूरत और हसीन एक्ट्रेस मधु के बारे में, जो अपनी पहली फिल्म से हर दिल अजीज बन गई थी। इन्होंने एक जमाने में खूब नाम, इज्जत, शोहरत और पैसा कमाया था, लेकिन इसके बाद अचानक ही फिल्मों से ऐसे गायब हुई कि फिर वो कभी फिल्मी पर्दे पर दोबारा नजर नहीं आई। आज हम इनकी जिंदगी के कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं, ऐसी सच्चाई बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, आइए जानते हैं एक्ट्रेस मधु की शुरू से लेकर अब तक की कहानी। दोस्तों, मधु का जन्म 26 मार्च 1969 को तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम रघुनाथ और माँ का नाम रेणुका था। मधु अपने माता पिता की इकलौती संतान है। मधु के जन्म के बाद इनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया था, लेकिन जब मधु महज 13 साल की थी तब उनकी माँ रेणुका का कैंसर की वजह से निधन हो गया। इसके बावजूद मधु ने मेहनत की और अपनी लगन के बल पर अपने सपनों को साकार किया। काफी कम लोग ही जानते हैं कि मधु का पूरा नाम मधुबाला रघुनाथ है। फिल्मों में आने के बाद मधु ने अपना नाम मधुबाला से मधु कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि मधुबाला नाम की एक बहुत ही बड़ी अदाकारा रह चुकी हैं, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए मधुबाला रघुनाथ ने अपना नाम छोटा करके मधु कर लिया। मधु एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ एक बेहतरीन डांसर भी रही हैं। दरअसल उन्हें डांसर होने का गुण अपनी माँ से ही मिला था। उनकी माँ रेणुका भरतनाट्यम की शिक्षिका भी थी और वो बहुत सी लड़कियों को भरतनाट्यम डांस सिखाती थी। मधु ने भी अपनी माँ से ही डांस सीखा था। मधु ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1991 में आई तमिल फिल्म अजगन से की थी और इसी साल इन्होंने हिंदी फिल्म फूल और कांटे से बॉलीवुड में एंट्री की, जिनमें उनके अपोजिट थे अजय देवगन। और अजय देवगन ने भी इसी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में मधु और अजय देवगन को दर्शकों ने काफी पसंद किया। फूल और कांटे रिलीज होने के बाद लोग मधु की सुंदरता और उनके भोलेपन के दीवाने हो गए थे। मधु रातों रात सुपरस्टार हो गई थी। उस वक्त स्थापित अभिनेत्रियों के लिए मधु का इस तरह से पहली फिल्म से सुपर हिट हो जाना हैरानी भरा था। अगले साल 1992 में उनकी दूसरी फिल्म आई रोजा, जिसमें इन्होंने साउथ के सुपरस्टार अरविंद स्वामी के साथ काम किया था। इस फिल्म को मणिरत्नम ने डायरेक्ट किया था। यह फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई और यह फिल्म मूलतः तमिल में बनी थी, जिसे कई भाषाओं में डब किया गया था और यह हर भाषा में हिट साबित हुई थी। इस फिल्म में मधु के काम को इतना पसंद किया गया कि वो इसके बाद रोजा गर्ल के नाम से जाने जाने लगी। इस फिल्म के गाने भी काफी ज्यादा हिट हुए थे। इसी फिल्म का एक गाना दिल है छोटा सा। शूटिंग के एक किस्से को शेयर करते हुए मधु ने एक बार बताया था कि आमतौर पर किसी गाने के रिहर्सल करने में 3 से 4 दिन लगते हैं, लेकिन इस गाने के शूटिंग में मुझे लगभग 17 से 19 दिन लग गए थे। दरअसल इसे गाने की तरह शूट नहीं किया गया था। इस गाने के शूटिंग के लिए कोई लोकेशन फिक्स नहीं की गई थी। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो डायरेक्टर मणिरत्नम जी को रास्ते में जहाँ भी अच्छा लगता वहीं रुक जाते थे और उसी जगह पर वो हमसे शूटिंग करवाते थे। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से कोई दूसरा गाना भी कभी शूट किया गया हो। मधु की कुछ और प्रमुख फिल्मों की बात की जाए तो उनमें पहचान, ऐलान, प्रेम योग, जालिम, जनता की अदालत, उड़ान, दिया और तूफान, खतकड़ी, जल्लाद, रावण राज, खम है बेमिसाल, दिल जले, रिटर्न, ज्वेल थीफ और यशवंत जैसे हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 से भी ज्यादा फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा है। इन फिल्मों के बदौलत एक जमाने में इन्होंने खूब नाम, शोहरत और पैसा कमाया था। मधु ने अपने करियर में अजय देवगन, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंद और ऋषि कपूर जैसे उस दौर के लगभग सभी दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया था। जब मधु अपने करियर के पीक पर थी तब इन्होंने 19 फरवरी 1999 में बिजनेसमैन आनंद शाह से शादी कर ली, लेकिन शादी करते ही उनकी सफलता का ग्राफ नीचे आने लगा। शादी के बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर आने कम होने लगे। हालांकि शादी के बाद भी इन्होंने कभी सोचा ना था, टेल मी ओ खुदा और लव यू मिस्टर कलाकार जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन इन फिल्मों में कोई सफलता नहीं मिली और मधु के करियर को इन फिल्मों से कोई फायदा नहीं मिला। इसके बाद मधु फिल्मों से ऐसी दूर हुई कि उन्हें दोबारा फिल्मी पर्दे पर नहीं देखा गया। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मधु ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की भतीजी और जूही चावला की देवरानी लगती हैं। इसके बावजूद बॉलीवुड में उनके साथ भेदभाव किया गया था।
एक इंटरव्यू में मधु ने खुद कहा था कि बॉलीवुड में मेरी पहली फिल्म के दौरान ही मेरे साथ भेदभाव हुआ था। दरअसल मुझे एक फिल्म के लिए साइन किया गया था और मैंने उस फिल्म की 4 दिन शूटिंग भी कर ली थी, इसके बावजूद मुझे उस फिल्म से निकाल दिया गया था, जिससे मैं बुरी तरह से टूट गई थी और मेरे आत्मसम्मान को गहरी चोट लगी थी। मुझे उस फिल्म से निकाले जाने की जानकारी भी मुझे मीडिया से मिली। इस घटना के बाद मधु रात रात भर रोया करती थी, लेकिन इसके बाद वो अपने करियर को लेकर बहुत ही सीरियस हो गई और इन्होंने पहले से भी ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ काम करना शुरू कर दिया और काफ़ी कम समय में ही वो मुकाम हासिल कर लिया जो बहुत ही कम अभिनेत्रियों को नसीब हो पाता है। मधु के जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब उन्हें आर्थिक रूप से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद मधु के पति का बिजनेस डूब गया। ऐसा कहा भी जाता है कि उन्होंने और उनके पति ने घर समेत लगभग 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेचकर लेनदारों का कर्ज चुकाया। इसके बाद मधु ने टीवी पर कमबैक किया और कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। अब मधु के जीवन से मुश्किलों का समय खत्म हो चुका है। इन दिनों वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही है। मधु की 2 बेटियां हैं, इनका नाम अमया और किया है। मधु काफी मेहनती और टैलेंटेड होने के बावजूद बॉलीवुड की गंदी पॉलिटिक्स की वजह से शायद बॉलीवुड से दूर हो गई। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपको मधु जी कैसी लगती हैं और उनकी कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।